केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर लॉकडाउन को आगे बढ़ाते हुए इसे एक सप्ताह और लागू रहने के आदेश दिए हैं। दिल्ली में अब 31 मई तक बंदिशें जारी रहेंगी। देश में कोरोना मामलों में लगातार हो रही गिरावट, 24 घंटे में सामने आए 2,40,000 से ज्यादा नए केस, 3,736 मरीजों की मौत। दूसरी लहर के बीच अब भी देश में एक्टिव केस 28 लाख से ज्यादा, अब तक देश भर में 19,33,72,000 कोरोना डोज दिए जा चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे, एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 26,133 नए मरीज मिले, 40,000 से ज्यादा कोविड मरीज ठीक हुए, 682 मरीजों की जान गई। दिल्ली में 24 घंटे में 2,260 से ज्यादा केस मिले, 182 मरीजों ने तोड़ा दम, दिल्ली में अब 31,000 से ज्यादा केस एक्टिव। प्रदेश में कोरोना के 5,021 से ज्यादा नए केस मिले, जबकि 11,327 मरीजों ने कोरोना को दी मात, 24 घंटे में 98 कोरोना मरीजों ने तोड़ा दम। जाखल के गांव संधावास में कोविड से ग्रस्त एक गर्भवती महिला की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही डिलीवरी हो गई, स्वास्थ्य विभाग ने नहीं दी किसी तरह की कोई मदद। सिरसा में कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह ने कोविड 19 सलाहकार समिति की बैठक को वर्चुअली संबोधित किया, बैठक में उपायुक्त, नगर आयुक्त, पुलिस अधीक्षक समेत अधिकारी मौजूद रहे। सिरसा में ऑक्सीजन की कमी से निपटने के लिए नागरिक अस्पताल परिसर में प्लांट का निर्माण कार्य जारी, आने वाले 10 दिनों में निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना। ब्लैक फंगस और कोरोना से निपटने के लिए भिवानी प्रशासन पूरी तरह से तैयार, डीसी ने बताया। ब्लैक फंगस को लेकर कोविड पोस्ट इफेक्ट कमेटी का गठन किया गया, जिसमें नागरिक अस्पताल के मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष शामिल हैं। पलवल में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्त, ओल्ड जीटी रोड पर नाका लगाकर बिना परमिशन चल रहे वाहनों में बिना मास्क के घूम रहे लोगों के चालान काटे। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ मुख्य बाजार में दुकानदारों के लॉकडाउन का उल्लंघन करने को लेकर विवाद हो गया, इस बीच बाजार में दुकानदारों की भीड़ देखने को मिली, पुलिस के साथ दुकानदारों ने जमकर बहस की। फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना की चेन तोड़ने के लिए जगह जगह कोरोना टेस्टिंग कैंप लगाए जा रहे, बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में विशेष कैंप लगाकर लोगों की टेस्टिंग की जा रही। महम में एसडीएम ने कई गांवों का दौरा कर कोरोना को लेकर हालात का जायजा लिया, उन्होंने ग्रामीणों के साथ बातचीत की, संबंधित विभागों के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सिरसा में लॉयंस क्लब अमर और यंग इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की ओर से कुष्ठ आश्रम में राशन, दवाइयां और मास्क बांटे गए, नगर परिषद की अध्यक्ष ने इस दौरान वो मौजूद रहे। पलवल में इंडिया न्यूज की खबर का हुआ असर, मजदूरों की रोजी रोटी के संकट की खबर दिखाई जाने के बाद मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने की मजदूर परिवारों की मदद। सिरसा में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि, जिले में कुल केस की संख्या 38, अब तक जानलेवा बीमारी से 8 लोगों की मौत। यमुनानगर में ब्लैक फंगस का पहला मामला आया सामने, मरीज को पीजीआई चंडीगढ़ किया रेफर, जहां मरीज का ऑपरेशन कर उसकी आंखें निकाली गई। कैथल में ब्लैक फंगस का पहला संदिग्ध मरीज मिला, मरीज के सैंपल जांच के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज भेजे गए, 12 मई को संक्रमित मिले 54 वर्षीय व्यक्ति में ब्लैक फंगस के लक्षण मिले थे। कई दिन से एक हत्या मामले में फरार चल रहे ओलंपिक मेडल विजेता और पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया, पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। मैम के गांव बहलावा में दो गुटों के में 1.5 घंटे तक लगातार खूनी संघर्ष चला, जिसमें दोनों पक्षों के लगभग 1 दर्जन लोगों को गंभीर चोट आई, बताया जा रहा है कि 4 युवक जुआ खेल रहे थे, इसी दौरान विवाद हो गया। जज्जर में 2 सप्ताह पहले साढ़ावास क्षेत्र में 4 पेट्रोल पंपों पर हुई लूट के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, 2 युवकों ने हथियार के दम पर पेट्रोल पंप पर लूट की थी। करनाल में पुलिस ने अंग्रेजी शराब से भरी बुलेरो गाड़ी पकड़ी, मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, 190 पेटी शराब बरामद, आरोपी चंडीगढ़ से शराब यूपी लेकर जा रहे थे। सिरसा के बादरा बाजार समेत कई इलाकों में गौवंश की मौत से हड़कंप मच गया, लोगों का कहना है कि रात के अंधेरे में गौवंशों को जहर दिया जा रहा, जिससे उनकी मौत हो रही। बद्दी के साथ लगते मड़ावाला गांव में हरियाणा हिमाचल सीमा पर 40 से ज्यादा झुग्गियों में अचानक से आग लग गई, आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है।